इस शिला को, ये जो शिला है, इस शिला को उन्होंने इस प्रकार से हाथ देकर उठाकर ये जो नीचे इस शिला का सपोर्ट दिया है, ये भीम जी के अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर किसी भी मशीन या यांत्रिक यंत्र का आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। तो ये हम लास्ट पॉइंट पर आ चुके हैं। यहाँ पर एक खाई है, बहुत ही गहरी खाई है, और ये देखिए पानी भरा हुआ है अंदर। भाई साहब, ओए होए होए, ये वही स्थान है जहाँ पर पांडवों ने कम से कम 6 महीना रुककर अपनी माँ के साथ, कुंती के साथ में यहाँ पर तपस्या की थी। शिलाओं को देखिए, यहाँ पर ना मशीन आ सकती है, ना कोई क्रेन हाइड्रा वगैरह कुछ आ सकता है। तो ये जो शिलाएं हैं, ये किसने रखी होगी, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर प्राकृतिक गुफा बनी हुई है, रास्ता बना हुआ है। साथियों नमस्कार, यात्रा गुरुजी चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से काफी ज्यादा टाइम के बाद हार्दिक स्वागत है। बीच में मैं बीमार पड़ गया था, इसी वजह से अपने चैनल पर ज्यादा लगभग दो महीने हो गए वीडियोस नहीं आ रहे हैं, और अब आज अपन शुरुआत कर रहे हैं। मैं आ चुका हूँ राजस्थान के जोधपुर जिले से लगभग 25 किलोमीटर दूर अरणेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, जिस इस स्थान का नाम है अरणा झरना करके। ये है, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा अरणा झरना। तो अरणेश्वर महादेव जी का यहाँ पर पीछे मंदिर बना हुआ है, और इस स्थान की जो कथा है वो पांडव कालीन जो है वो वहां से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि भाई वनवास के दौरान जो है वो माँ कुंती के साथ में जो पांचों पांडव थे वो यहाँ वनवास के दौरान इस स्थान पर आए थे, और यहाँ पर ऊपर पांडवों की साल बनी हुई है जहां पर पांडव रहा करते थे, और यहाँ पर भीम जी का पांव भी बना हुआ है। तो वो सब कुछ, भीम जी का पांव, घुटना वगैरह सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो यात्रा के अंदर दिखाऊंगा। और यहाँ पर एक कुंड भी बना हुआ है, और इस जल स्रोत के अंदर नहाने से ऐसा कहा जाता है कि ये बिल्कुल गंगा जी जैसा तीर्थ यहाँ पर माना जाता है। जैसे अजमेर पुष्कर के अंदर जाके स्नान करते हैं या फिर हरिद्वार जाकर गंगा जी में स्नान करते हैं, वैसा ही तीर्थ की मान्यता यहाँ इस स्थान से भी जुड़ी हुई है कि यहाँ पर इस जल स्रोत के अंदर नहाने से उतना ही पुण्य मिलता है जितना पुष्कर जी और गंगा जी में नहाने से है। तो चलिए मैं आपको इस पूरे स्थान का विजिट कराता हूँ। मैं आ चुका हूँ मंदिर के पीछे वाली साइड, और पीछे वाली साइड अब ये देखो यहाँ पर बांध बन रहा है पानी को यहाँ पर स्टोर करने के लिए, क्योंकि जहाँ पर मानसून के समय बहुत ही तेज भाव में पानी जो है वो मंदिर की साइड जाता है। और इधर की साइड आप देख सकते हैं पूरा ऊपर से बिल्कुल शानदार एक झरना चलता है। यहाँ पर लोग भी बहुत सारे मानसून के समय नहाने के लिए आते हैं, लेकिन अब ये बंद हो जाएगा क्योंकि इधर बन रहा है बांध, और पूरा एक तरह का ये स्विमिंग पूल टाइप बन जाएगा। और ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राचीन काल की यहाँ पर 200-400 साल पुरानी कुछ साल और कुछ कमरे वगैरह बने हुए हैं। यहाँ से ऊपर जाके मैं आपको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप देखिए कैसे कैसे यहाँ पर देखिए निर्माण किए हुए हैं। अब तो ये पूरे जर्जर हालात में हैं, किसी को भी यहाँ पर खंडर को छूना भी काफ़ी खतरा हो सकता है, क्योंकि ये देखिए पिलर ये एकदम फ्री पड़े हैं ना, हो सकता है हाथ लगाए ना ऐसे नीचे गिर जाए। तो ये इस प्रकार के निर्माण जो है वो मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। और पूरा एकदम जंगल है, भयानक झाड़ियाँ हैं, और सांप बिच्छू का भी काफ़ी यहाँ पर खतरा है। ये देखिए जंगल पूरा एकदम अपने भयानक स्थिति के अंदर आ चुका है। यहाँ पर कोई समय था जब यहाँ पर लोग जो है वो यहाँ मंदिर पे दर्शन करने के लिए आते थे और इन रूम वगैरह के अंदर आराम किया करते होंगे। और यहाँ पर ये देख सकते हैं विश्रामालय बने हुए हैं इस प्रकार से। तो ये देखिए अंदर एक मूर्ति भी है यहाँ पर रखी हुई, काफ़ी पुरानी मूर्ति है ये, और इनके अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। चलते हैं अंदर, कांटे बहुत ही ज़्यादा है, और अंदर से कुछ इस प्रकार से ही है, बिल्कुल बिना चूना पत्थर और बिना किसी सीमेंट के ये जो है वो नक्काशी करके पुराने समय में बनाया गया है। ये बाद में देखिए, ये पहले कुछ नहीं हुआ था, बाद में ये जब सीमेंट आने लग गई थी यहाँ पर तो उस टाइम ये फिर ऊपर से लेप किया गया। बाकी पत्थरों को पत्थर से जोड़कर ये पूरा चट्टान के अंदर ही ये बनाए गए हैं, और पूरे पत्थर जो इसी चट्टानों, ये जो ऊपर जो आपको चट्टानें नजर आ रही है इन्हीं के ही इन पत्थरों को गढ़ाई करके जो है वो खंभे वगैरह बनाकर ये देखिए ये जो साल का है वो निर्माण किया गया है। और पीछे पूरी ये चट्टान है, एक दीवार ये पूरी चट्टान के काम आ गई है, और अंदर ही ये देखिए एक छोटी सी अलमारी बनाई गई है यहाँ पर पानी स्टोर करने के लिए। टंकी देखिए यहाँ पर इस प्रकार से बना दी है, यहाँ पर हो सकता है कुछ रसोई का काम किया करते होंगे, पास ही यहाँ पर ये रसोई का है, इधर ये पानी स्टोर है, बाकी यहाँ पर बैठा करते थे लोग। और ये आगे का कुछ इस प्रकार का फ्री भाग है, और ऊपर भी कमरे बने हुए हैं जिनके पत्थरों के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, वो भी चलो पढ़ने की कोशिश करते हैं। साथियों अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर वाले जो कमरे हैं उनको विजिट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं यहाँ पर ऊपर क्या हाल है। और मुझे लग रहा है काफ़ी सालों से यहाँ पर कोई नहीं आया है, जिस प्रकार से ये जंगल और इसका वीरान रूप मेरे को नज़र आ रहा है,
ये देखिए यहाँ पर ये ऐसा निर्माण किया गया था पूरी चट्टान और चट्टान के नीचे। और ये अंदर चलते हैं, यहाँ से कुछ देवी देवताओं की यहाँ पर देखिए तस्वीरें भी यहाँ पर रखी हुई है, ये अभी रखी गई है। और यहाँ पर देखिए ये कुछ हिंदी के अंदर लिखा हुआ है, किसी का नाम है जिनकी याद में यहाँ पर ये रखा गया था। मैं थोड़ा सा इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ अगर आप अच्छे से पढ़ पाएँ तो। ये देखिए पीछे जोधपुर बिल्कुल नज़र आ रहा है, तो ये इस प्रकार से लिखा गया है भाई। तो मंदिर के पीछे की साइड प्राचीन काल में बनाई गई ये निर्माण जो है वो मैंने आपको दिखाए। ये हो सकता है अब लास्ट बार मैं ही यहाँ पर आ पाया हूँ, क्योंकि उसके बाद ये जो यहाँ पर ये बांध का निर्माण हो रहा है यहाँ पर पानी जो है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा ऊपर से आने वाला, फिर यहाँ पर कोई भी नहीं चढ़ पाएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पानी का भराव यहाँ पर हो जाएगा। तो फिलहाल मैं उतरता हूँ नीचे और यात्रा गुरुजी चैनल के माध्यम से आपने ये कुछ अभी जो अंदर पंडित जी है वो बता रहे थे कि 300-400 साल पुराने ये कुछ ये निर्माण किए गए हैं यहाँ पर, और हिंदी में कुछ ऊपर लिखा हुआ भी था तो वो थोड़ा पढ़ने में नज़र नहीं आया था। अब चलते हैं आगे भाई। जनश्रुतियाँ और कथा के अनुसार पांडवों को ये श्राप मिला गया था कि भाई सोमवंती अमावस जो है आएगी तब आपका वनवास जो है वो खत्म होगा। तो सोमवंती अमावस का मतलब सोमवार को अमावस, तो तब सोमवार को अमावस नहीं आया करती थी। तो पांडवों ने यहाँ पर घोर तपस्या की, भगवान शंकर की यहाँ पर तपस्या की, यहाँ पर कम से कम जो है वो 6 महीने से 8 महीने तक जो है वो पांडव जो है वो यहाँ रहे थे माता कुंती के साथ में। तो यहाँ पर उन्होंने तपस्या की, तपस्या स्थल भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उन्होंने तपस्या की, भगवान शंकर से जो है उन्होंने वरदान मांगा, और उसके बाद जो है वो सोमवंती अमावस जो है वो आने लगी। तो वो कथा इस स्थान से जुड़ी हुई है। और अब यहाँ से देखिए मैं ऊपर चलता हूँ, इतनी हाइट है आज के समय में भी बहुत ही ज़्यादा, और पुराने यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं। और ऊपर जहाँ पांडव रहते थे वो पांडवों की साल जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए वहाँ से देखिए हम लोग आए हैं, और वहाँ से आते हुए ये इस स्थान से यहाँ आए हैं। अब ये यहाँ पर लोगों के चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ यहाँ पर सुविधा अनुसार बना चुके हैं, और यहाँ से होते हुए यहाँ से आगे जाएंगे। तो आज के समय में भी देख सकते हो आप, यहाँ पर कोई भी गाड़ी कोई भी मशीन नहीं आ सकती। तो उस समय जो है वो इतनी बड़ी बड़ी जो शिलाएँ हैं वो इतनी हाइट पर कैसे रखे होंगे। तो ऐसा लोग यहाँ पर लोकल जो लोग जो है वो यही कहते हैं कि भीम ने ये जो शिलाएँ हैं ये इस प्रकार से बड़ी बड़ी रख कर उन्होंने यहाँ पर अपने रहने का स्थान बनाया था। और ये देखिए भाई साहब बिल्कुल झाड़ियों में से होते हुए आ रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा घनी झाड़ियाँ हो चुकी है। और अब मैं पहुँच चुका हूँ भाई इस रास्ते के अंदर, और ये देखिए गुफा जो है यहाँ पर बनाई हुई है। अब इन शिलाओं को देखिए, यहाँ पर ना मशीन आ सकती है ना कोई क्रेन हाइड्रा वगैरह कुछ आ सकता है। तो ये जो शिलाएं हैं ये किसने रखी होगी आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर प्राकृतिक गुफा बनी हुई है, रास्ता बना हुआ है, और ये ऊपर शिलाएं रखकर छाया जो है वो कहते हैं कि भीम जी ने यहाँ पर ये ऊपर रखकर इस प्रकार से निर्माण किया है। बहुत बड़ी बड़ी शिलाएं हैं। और यहाँ से आगे निकलते हैं और दिखाते हैं, ये देखिए फाइनली हम पहुंच चुके हैं भाई अंदर की साइड। आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी बड़ी शिलाएं जो है वो यहाँ पर रखी गई है, और बाद में ये देखिए सीमेंट वगैरह लगाकर इनको वापस इनका जीर्णोद्वार किया गया। लेकिन पुराने समय में ये बड़ी बड़ी जो शिलाएं हैं ये ऊपर रखकर इसको छत का रूप दिया गया। और ये देखिए यहाँ पर पत्थरों के अंदर कुछ मूर्तियां भी उकेरी गई है, और ये देखिए यहाँ पर एक लिपि लिखी हुई है पत्थर के ऊपर जो अभी की नहीं है और ना ही हम पढ़ सकते हैं। अब ये हो सकता है पांडवकालीन हो या फिर ये बुद्धकालीन भी हो सकती है, ऐसा भी मान्यता है इस स्थान से कि भाई ये बुद्ध काल के समय की ये गुफाएं हैं जो मॉन्क वगैरह तपस्या किया करते थे उन्होंने बनाई है। तो अभी ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप इसको ट्रांसलेट कर सकें तो आप आराम से वीडियो पॉज करके इसको आप पढ़िए, ये कौन सी लिपि है पता नहीं कैसे पढ़ सकते हैं। और अंदर की साइड ये देखिए आराम से आप देख सकते हैं गजानन जी वगैरह सबकी यहाँ पर ये जो देवी देवताओं की मूर्तियां जो है वो यहाँ चट्टान के अंदर ही उकेर के एक छोटा सा मंदिर बनाया गया, और अंदर ये पूरी साल है चट्टान के अंदर ही पूरी बनाई गई। और पूरा ये स्थान बिल्कुल पांडवों से जुड़ा हुआ है जैसा कि यहाँ के लोकल लोग जो बता रहे हैं। और यहाँ से ये नीचे उतरने का एक रास्ता है, जो अभी मैंने आपको कुंड दिखाया था उस कुंड के अंदर जाने का रास्ता यहाँ से हुआ करता था पुराने समय में ये सीढ़ियाँ, और यहाँ से उतरकर ये जाया करते थे नहाने के लिए उस कुंड के अंदर, है ना, और वो पानी आता है। और ये जो निर्माण आपको दिख रहा है ये अंदर कुंड, ये कुंड के ऊपर ही बनाया गया ताकि यहाँ पर इसके अंदर महिलाएं स्नान कर सकते हैं, और वो जो खुला खुला नजर आ रहा है वहाँ पर पुरुष स्नान कर सकते हैं, और आगे वो मंदिर है ना।
तो गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ पर पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ होती है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा लोग यहाँ पर आते हैं। और ये स्थान जो है वो कहा जाता है कि भाई पूरा पांडवों से जुड़ा हुआ है, और मैं यहाँ पर सीधा भी खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही हाइट यहाँ पर छोटी है और बंदरों का आतंक यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पर ये बंदरों की पोटी वगैरह भी देख सकते हैं। और आगे एक छोटा सा रास्ता यहाँ से आगे निकल रहा है भाई, ये पीछे देखिए जंगल, पूरा पहाड़ और पूरा ऊपर जंगल ही जंगल है। ये देखिए ऊपर ये बड़े बड़े पहाड़ चट्टान है, ये देखिए है ना। तो ये ऐसा निर्माण है भाई यहाँ पर, और ये पूरा कहते हैं कि भाई 6 से 8 महीने यहाँ पर जो है वो इस स्थान पर पांडवों ने तपस्या की, और यहाँ पर वनवास के दौरान पांडवों ने अपना कुछ एकांतवास गुजारा था भाई यहाँ पर। भाई ये निर्माण को देखकर हमें ये लगता है कि भाई ये इतने छोटे निर्माण है जिसके अंदर मैं 6 फीट का इंसान भी अच्छे से खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। तो भीम की और उनकी जो हाइट थी पांडवों की, वो ऐसा कहा जाता है कथाओं के अनुसार कि भाई वो 8-10-12 फीट के इंसान हुआ करते थे, तो उनकी हाइट को देखते हुए निर्माण काफ़ी छोटे हैं। तो हो सकता है अब प्रकृति के अंदर कितने सारे बदलाव आते हैं, तो धीरे धीरे भाई ये हो सकता है इनमें भी बदलाव आ गया हो, ये छोटे हो गए होंगे। और बाकी ये गुफा देख सकते हैं, और ऊपर की साइड जो ये आप चट्टाने देख रहे हैं, इतनी भारी भरकम बड़ी बड़ी चट्टाने जो सिर्फ और सिर्फ क्रेन या किसी मशीन के द्वारा ही, यांत्रिक यंत्र के द्वारा ही रखी जा सकती है, लेकिन ये फिलहाल यहाँ पर रखी हुई है। और ऐसे दुर्गम रास्तों पर मशीन का आना भी पॉसिबल नहीं है, आज के समय में भी यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, तो इतने प्राचीन समय में तो कहाँ से क्या ही मशीन आएगी भाई। ये देखो पूरा जंगल है और नीचे पूरा पहाड़ है, और ये देखिए अब धीरे धीरे यहाँ पर कॉलोनी कितनी ज़्यादा विकसित हो गई है। मैं 3-4 साल पहले आया था तब यहाँ पर कोई निर्माण नहीं था, लेकिन धीरे धीरे देखिए जनसंख्या वृद्धि का जो है वो असर हमें लगातार देखने को मिलता है। यहाँ पर ऊपर एक बड़ी बड़ी शिलाओं का एक निर्माण किया गया जिसके अंदर भीम जी का पांव बना हुआ है, और इस चट्टान से होते हुए हम आगे चलते हैं भाई। ये देखिए कितना दुर्गम रास्ता है, चट्टानों के ऊपर से चलना पड़ता है, और यहाँ से भी ये देखिए इस प्रकार से सीढ़ियाँ बनी हुई है, इस सीढ़ियों से होते हुए हम ऊपर चलते हैं। और ये एक छोटी सी यहाँ पर गुफा है, और कहते हैं कि भाई ये वही स्थान है जहाँ पर पांडवों ने कम से कम 6 महीना रुककर अपनी माँ के साथ कुंती के साथ में यहाँ पर तपस्या की थी, और महादेव जी को प्रसन्न किया था और उनसे वरदान लिया था। तो ये वही स्थान है, आप देख सकते हैं भाई छोटी सी यहाँ पर गुफा नजर आ रही है, लेकिन ये देख सकते हैं भाई नीचे से ये गुफा है, और इसके अंदर एक तपस्या करने का धुना भी बना हुआ है जो पानी की वजह से पूरा है ना पूरा दब गया है, और अंदर की साइड काफी है ना गुफा बनी हुई है भाई। साथियों आप देख सकते हैं इतनी बड़ी भारी भरकम ये चट्टान है, और इस चट्टान को सिर्फ और सिर्फ भीम के अलावा कोई ऊपर नहीं कर सकता, आप देख सकते हैं। अब ऐसा कहते हैं भाई लोकल लोग कि भाई भीम जी जो है वो इस शिला को, ये जो शिला है इस शिला को उन्होंने इस प्रकार से हाथ देकर उठाकर ये जो नीचे इस शिला का सपोर्ट दिया है, ये भीम जी के अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर किसी भी मशीन या यांत्रिक यंत्र का आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। तो ये भीम के अलावा इस चट्टान को हिलाना पॉसिबल नहीं है भाई। और तो ये इस प्रकार का ही दृश्य यहाँ पर बताया गया है, जैसा कि जनश्रुतियां बताती है कि भीम ने इसको ऊपर करके ये सपोर्ट वगैरह देकर अपने तपस्या का यहाँ पर स्थान बनाया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो गुफाएं बनी हुई है ये बुद्धकालीन गुफाएं हैं, जो बुद्ध के टाइम की ये गुफाएं बनी हुई है। तो एक कथा जो है वो पांडवों से जुड़ी हुई है, और एक कथा बुद्ध से भी जुड़ी हुई है ना, बौद्ध धर्म से भी जुड़ी हुई है, तो ऐसा कहते हैं। और कथाओं के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है भीम वगैरह की हाइट और उनके एकदम हाथी जैसे शरीर हुआ करते थे, तो इतनी छोटी छोटी गुफाओं के अंदर रहना पॉसिबल नहीं था। तो हो सकता है समय के साथ साथ प्रकृति में भी चेंज आते हैं, तो इन चट्टानों में भी कुछ चेंज आया होगा, क्योंकि दिनों दिन ये चट्टाने भी तो कहीं ना कहीं धरती में से निकली है, बड़ी होती है, इनमें भी तो परिवर्तन होता है। तो हो सकता है प्राचीन काल के अंदर ये जो गुफाएं है काफी बड़ी हुआ करती थी, और समय के साथ ये हो सकता है चट्टाने बड़ी हो गई हो, ऐसा कुछ प्रकृति में चेंज हुआ हो, तो आज के समय में हमें कुछ इस प्रकार का दृश्य जो है वो नजर आता है। इस चट्टान के ऊपर एक भीम का पांव भी बना हुआ है, वो प्रकृति के द्वारा बना हुआ है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। और भीम जी का ये जो घुटना है ये इस प्रकार से उन्होंने वो रखा हुआ, ये भी ये जो घुटना भी बना हुआ वो भी आपको मैं ऊपर दिखाऊंगा। तो फिलहाल ये जो है स्थान पांडवों से जुड़ा हुआ, और पांडवों ने यहाँ पर रहकर ऐसा कहते हैं कि भाई तपस्या की और महादेव जी को प्रसन्न किया। अब इस रास्ते से मैं ऊपर आपको जंगल में लेके जाऊंगा, और वहां पर जो भीम का पांव बना हुआ है
वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और मानसून के समय में आपको बता दूं कि यहाँ से इतना तेज झरना जो बहता है वो, यहाँ पर बहुत सारे लोग मानसून में नहाने के लिए आते हैं भाई साहब। बहुत ही ज़्यादा रीलें यहाँ की वायरल होती है इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो ये देख सकते हैं। ऊपर चलते हैं और ये देखिए थोर भी लगी हुई है यहाँ पर, मरुद्भिद पौधा है, इसको थोर बोलते हैं भाई, है ना, बाड़ वगैरह बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आता है। और ये बिना पानी के जो है वो उग जाता है रेत के अंदर, इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। काफ़ी ज़्यादा आगे चलने पर ऐसा कुछ दृश्य जो है वो हमें दिखाई देता है। और ये जो दीवार बनी हुई आप नज़र आ रही है, ये फॉरेस्ट विभाग ने बनाई है, ये पूरा वन विभाग का क्षेत्र है दोस्तों, पूरा जंगल ही है। और यहाँ पर जो लोकल लोग हैं वो गाय भैंसे बकरियाँ वगैरह चराने के लिए यहाँ पर लोकल लोग आते हैं। और यहाँ से चलते चलते जब हम आगे जाएंगे, काफ़ी हाइट पर चढ़ा हूँ, देखिए मेरी सांसें बहुत ज़्यादा फूल चुकी है और ऐसे जंगल में से होते हुए आना पड़ेगा। और यह है भाई बहुत ही सुंदर सा मोर पंख, है ना, कितना सुंदर लग रहा है। तो आगे चलिए। और ये देखिए लोकल लोगों ने जो भीम जी का पांव बना हुआ है उसको प्रोटेक्ट भी किया यहाँ पर दीवार वगैरह बनाकर, ये आप देख सकते हैं ना, ये है देखिए। और आसपास ये दीवार बनाकर प्रोटेक्ट किया है, और यही है वो भीम जी का पांव जो यहाँ का प्रसिद्ध है, और कहते हैं कि ये भीम का ही पांव है, इतना बड़ा, बहुत बड़ा पांव है। अगर इसके अंदर मैं मेरा हाथ अगर रखने जाऊँ, है ना, तो आधे में ही आएगा मेरा हाथ। ये देखिए हाथ से काफ़ी बड़ा है ये ऐसे। और आगे कुछ लोकल यहाँ की महिलाएं हैं जो आप देख सकते हैं, कुछ खींप वगैरह लाए हैं यहाँ का, जो घर वगैरह बनाने में, झोंपड़े बनाने में काम आते हैं। तो ये कुछ यहाँ का सिस्टम है, और ये पूरा का पूरा जंगल है। ए कहीं लेने यहाँ, अच्छा इनो छपरो बने गए गाय भैंसे खावे। यहाँ पर ये देख सकते हैं दोस्तों बेर लगे हुए हैं भाई बोल्टी के, अभी ये मीठे नहीं है, कच्चे हैं, लेकिन काफ़ी है ना एकदम रंग बिरंगे लग रहे हैं। और हो सकता है आने वाले टाइम में मैं थोड़ा एक चखे देख सकता हूँ कि भाई कैसा है स्वाद में खाने के लिए। ये थोड़ा लाल दिख रहा है ना, ये तो मुझे कुछ लाल नज़र आ रहा है, देखते हैं। मैं यार यहाँ पर बेर खाने लग गया, वाकई मीठे बेर हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये जो लाल लाल बेर लगे हुए हैं इनको तोड़ के जब हम खाएंगे तो ये स्वाद में काफ़ी मीठे हैं। और अब सीज़न स्टार्ट हुई है बेर की, तो ये बेर आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो जितना खा सकते हो जंगलों के अंदर खुले में बेर यहाँ पर है। और बाकी सिटीज़ वगैरह के अंदर कितने महंगे मिलते हैं, ये कम से कम 50 से 100 रुपये किलो तक भी बिकते हैं सीजन के अंदर, मेरे खरीदे हुए मुझे भी पता है। तो ये इस प्रकार से भाई लोकल जो लोग हैं ग्रामीण वो इस प्रकार से तोड़ तोड़ के, है ना, सिटी में बेचते हैं। तो आगे चलते हैं भाई, और कुछ देखते हैं वो मंदिर तक जा पाएंगे तो ठीक है, और नहीं जा पाए तो फिर वापस आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। लोकल लोग जो है वो यहाँ से होते हुए पार होके आगे गांव पड़ता है, उस गांव के अंदर जाएंगे। और हम लोग इस जंगल में से होते हुए आगे जा रहे हैं भाई, थोड़ा सा इस इलाके से अनभिज्ञ हैं हम लोग, तो हमें ज़्यादा मालूम नहीं है, तो अब देखते हैं। और वो हमसे डर के भी काफ़ी भाग गए, उन्होंने सोचा कि भाई हो सकता वन विभाग के कोई आदमी है, तो क्योंकि ये जंगल से कुछ लाते हैं तो इनके ऊपर ऐसे कार्रवाई वगैरह होने का भी डर रहता है भाई, जंगल में से कोई भी है ना वनस्पति घास वगैरह तोड़ने का आदेश नहीं है, तो वन विभाग वाले कार्रवाई कर देते हैं लोकल लोगों के ऊपर। तो वो काफ़ी तेज़ी से निकल गए आगे, और नज़र आसपास का देख सकते हैं। पहाड़ की जो टॉप पॉइंट है उसके ऊपर हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ से नज़ारा देखिए भाई, पूरा यहाँ से गाँव का नज़ारा यहाँ से नज़र आ रहा है, और दूर दूर तक छोटे छोटे घर नज़र आने लग रहे हैं, और आसपास ये पूरा का पूरा जंगल है। और हमें काफ़ी 100 से 150 मीटर और आगे जाना है, वहाँ पर भीम जी का घुटना बना हुआ है और एक छोटा सा शिवलिंग भी बना हुआ है, वो आपको थोड़ा सा मुझे दिखाना है। तो यहाँ से आगे चलते हैं, और काफ़ी वीरान इलाका है, यहाँ पर कोई भी लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, और दूर दूर तक जो गांव है उनके घर ढाणियाँ नज़र आ रही है भाई। आ चुके हैं भाई मेन पॉइंट पर, और यहाँ से अब इस खाई में से नीचे उतरना है, और फिसलन भरा रास्ता है, और पाँव भी फिसल सकते हैं, और पत्थर भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से होते हुए हमें आगे चलना है, और मेन स्थान अब ढूंढने की कोशिश की जा रही है, मिला तो ठीक है, दिखाऊँगा नहीं तो फिर आप सभी से माफ़ी चाहेंगे भाई।
तो ये हम लास्ट पॉइंट पर आ चुके हैं। यहाँ पर एक खाई है, बहुत ही गहरी खाई है, और ये देखिए पानी भरा हुआ है अंदर भाई साहब। ओए होए होए, चलो नज़ारा तो देखते हैं यहाँ से। ये देखो भाई, ये पूरा नज़ारा है यहाँ से, पूरा पानी। और जो पीछे मैंने आपको डैम दिखाया था, वो ये यही पानी को कवर करने के लिए वो डैम बनाया जा रहा है। और यहाँ से अब आगे चलते हैं, और पूरा पूरा यहीं से रास्ता है। मुझे लग रहा है ये रहा भाई, मैं आया हुआ हूँ पहले, 3 साल पहले यहाँ पर आया था। और 24 घंटे यहाँ से पानी चलता है, ये देख सकते हैं। ये पड़ा देखो स्थान, ये देखो यहाँ पर भी देखो एक ये शिवलिंग बना हुआ है, ये देख सकते हैं ना, ये शिवलिंग है, इसके अंदर ये पानी है, और पानी भी इसके अंदर एक साइड से आ रहा है, दूसरी साइड जा रहा है, मतलब ऐसा कुछ ये पानी रिस के आ रहा है, जा रहा है। और ये भीम का पाँव बना हुआ है, देख सकते हैं भाई, ये है असली भीम का पाँव यहाँ पर प्राचीन समय का। और ये देख सकते हैं, और एक ये शिवलिंग बनाया गया है यहाँ पर, ये पहाड़ में से लगातार पानी यहाँ पे चल रहा है, और ये चलता हुआ पानी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये भीम का घुटना बना हुआ है ना, जिसको मारवाड़ी में हमारी भाषा में गोड्डा बोलते हैं भाई, ये टखना है ना। और काफ़ी ये क्या कहते हैं इसको, ये कवक जमा हुआ है भाई, लील जमी हुई है, तो काफ़ी फिसलन है। और ये देख सकते हो भाई, ये भीम जी का घुटना बना हुआ है, अंदर ढकनी भी बनी हुई नजर आ रही है। लगातार ये 24 घंटे पानी चलता है, 12 महीने है ना, ये पानी यहाँ से चलता रहता है। और नीचे भी एक शिवलिंग है, और ये पानी ऐसे होते हुए ये आगे ऐसे निकल रहा है। तो भाई ये है वही लास्ट स्थान जो है वो मैंने आपको दिखाया है। तो फाइनली हम उस स्थान पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर भीम जी का घुटना बना हुआ है। तो ये 24 घंटे इसके अंदर से भाई पानी चलता रहता है। और यहाँ पर ये नंदी जी बने हुए हैं, ये प्राचीन काल के नंदी हैं, और ये अभी लेटेस्ट किसी की मनोकामना पूरी हुई होगी तो उन्होंने चढ़ाया है। और बाकी यहाँ पर ये भीम का पाँव भी मैंने आपको दिखाया है। तो ये स्थान है भाई, उम्मीद करूँगा ये वीडियो यात्रा आपको बेहद ही पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना, और इस स्थान के साथ 2 कथाएँ जुड़ी हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक पांडवकालीन और एक बुद्धकालीन। तो कितनी कौन सी सही है वो तो अब जनश्रुतियाँ बताती हैं, उस हिसाब से हम बता रहे हैं भाई, अपने पास पुख्ता प्रमाण नहीं है। और बाकी आप शेयर करिएगा और कमेंट करके बताना कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यात्रा के अंदर। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।